हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रमेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मेडिसिन बता रहा हूँ जिनको बस में या गाड़ी में या नाव में बैठने पर उल्टी होने लगता है, चक्कर आने लगता है, उसी के बारे में मैं एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जिसको खाने से ये समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों, ये जिनको बस लगता है, अगर कहीं सफ़र करना हो, दूर के सफ़र हो या भीड़ी का भी सफ़र हो, किसी किसी को ऐसा होता है कि उल्टी होने लगता है, उल्टी जो है बर्दाश्त नहीं होता है, उसी को कहते हैं गाड़ी लगना। जैसे गाड़ी लग जाता है, गाड़ी पर बैठे कुछ दूर चले और मन मिचलाने लगता है, बराबर होने लगता है, उल्टी हो जाता है, ये बहुत ही थोड़ा तकलीफ देता है और देखने में भी थोड़ा बुरा लगता है कि गाड़ी में बैठे नया नया कपड़ा पहने और गाड़ी में बैठे उल्टी होने लगा, दिक्कत होने लगता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं एक ऐसा मेडिसिन दो बता रहा हूँ जिसको खाने से ये समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें एक मेडिसिन का नाम है कोकुलस इंडिका। कोकुलस इंडिका अगर आपको कहीं सफ़र करना है तो एक दिन पहले से कोकुलस इंडिका 30 पाउंड में 4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और रात, दिन भर में 4 बार खा लीजिए और दवा को अपने साथ ही रखिए। अगर गाड़ी में बैठे तो भी उसको दो दो घंटा पर दो दो बूंद खाते रहिए, तो ये गाड़ी लगना जो समस्या है, जो उल्टी होने वाला है, ये सब समस्याएँ बिल्कुल ठीक हो जाए दोस्तों। तो इसको जब भी अगर कहीं जाना हो तो एक दिन पहले से कोकुलस इंडिका 30 पाउंड ले लीजिए। ये कहीं भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और इसको अपने पास ही रखिए। अगर गाड़ी में बैठ रहे हैं तो 4 बूंद खा लीजिए, अगर मिचली नहीं भी हो रहा है तो भी आधा एक घंटा के बाद 4 बूंद खा लीजिए। इससे मिचली नहीं होगा, उल्टी होगा नहीं, करने के मन भी नहीं करेगा, ये सब समस्या इस दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। ये समझिए कि बस लगने की एक पेटेंट दवा है। जिनको बस लगता है, गाड़ी लगता है, या ऐसा भी है कि नाव में बैठ के सफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी किसी किसी को उल्टी होने लगता है, तो ये कोकुलस इंडिका एक रामबन दवा है। इसके लिए कोकुलस इंडिका रामबन दवा है। अगर कंटिन्यूस इसको खा लीजिएगा तो ऐसा भी है कि ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर दोबारा होने के चांस कम होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए ये दवा खाने से आपको कितना फायदा हुआ। धन्यवाद।